राहुल भैया, राहुल भैया उठो, राहुल भैया, राहुल भैया, अलार्म बज रहा है। तू जॉगिंग पर जा रहा है? हाँ। आपको भी कहीं जाना है ना, अलार्म सेट किया था आपने। यार मैं रोज अलार्म सेट करता हूँ, ये सोच के कि सुबह जॉगिंग पर जाऊंगा, पर इस अलार्म से मेरी नींद नहीं खुलती है। अच्छा हुआ तूने मुझे जगा दिया। अरे लेकिन आप फिर से सो रहे हो। मैं बस अपना 5 मिनट वाला नैप ले रहा हूँ। भैया ऐसे ही 5-5 मिनट के चक्कर में आप फिर से सो जाओगे, देन एज यूजुअल शाम को उठोगे, फिर माँ फिर से अपसेट हो जाएगी। तू सही कह रहा है, इसीलिए तो मैंने अलार्म लगाया था, क्योंकि मुझे देर तक सोकर माँ को अपसेट नहीं करना है। तो चलो ना, मुझे भी जॉगिंग के लिए कंपनी मिल जाएगी। चलो चलो। अच्छा, ओके चलो। 2 मिनट दे मुझे। लो ये तो फिर से सो गए। उठिए देर हो जाएगी, मुझे बच्चों के उठने से पहले अपनी जॉगिंग कंप्लीट करनी है। आज रहने दो ना रीता, कल से शुरू करते हैं पक्का। ओके आप कल कल करते रहिए, मैं तो चली। और वैसे भी समीर तो रोज नीचे जॉगिंग करता ही है, मुझे उसकी कंपनी मिल ही जाएगी। ओह नो, समीर फिर से कोई उल्टी सीधी बात बोल के भड़काना दे रीता को। रीता रुको, मैं भी साथ चलता हूं। पुशअप्स। चलो ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ ऐसे काहे बोल रहे हैं, हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। हाउ कुड यू? तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया, तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। हाउ कुड यू, हाउ डेयर यू? अब और नहीं। माई माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तुमने, अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्या? तेरी शादी में इच्छा से